वेलकम बैक दोस्तों। हमारी वेबसाइट पर आपको आज के इस मुद्दे से जुड़ी और भी कई कहानियां देखने को मिल सकती हैं, जानकारी मिल सकती है। हमारी वेबसाइट है www.satyamevjayate.in। दोस्तों अब मैं न्योता देना चाहूंगा हिंदी सिनेमा के इतिहास के सबसे बड़े सुपरस्टार को, जो हिंदुस्तान के लोगों के दिलों पर राज करते हैं, श्री अमिताभ बच्चन। अमित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो पर आने का। सर आज हम मर्दानगी की बात कर रहे हैं और 95% हम देखते हैं जो हिंसक वारदात होते हैं उसमें लड़कों का मर्दों का हाथ होता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अपनी जाती जिंदगी में, अपनी रियल लाइफ में हिंसा के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं ऐसा मानता हूँ कि आपके संस्कार क्या हैं, किस तरह से आपकी परवरिश हुई है, क्या सोच थी आपकी, आपके माता पिता ने आपको क्या सिखाया, या किस वातावरण में आप पैदा हुए। जी जी, पहले जो यहाँ लोग आए कि लोगों ने देखा कि घर के अंदर वायलेंस होता था, पति पत्नी उनके माता पिता में झगड़ा होता था। अब मैं इसे अपना सौभाग्य मानूँ या क्या कहा समझूँ, मैंने तो अपने निजी जीवन में कभी भी अपने माता पिता को न झगड़ते देखा, न कभी ऊँची आवाज़ में बात करते हुए देखा जी। और ऐसा ही वातावरण जो है वो मैंने देखा है अपने घर में। मैंने आज तक अपने बच्चों पर भी कभी हाथ नहीं उठाया। क्या बात है, इसीलिए मैं जब देखता हूँ अमित जी को और अभिषेक को तो वो जैसे कि दोस्त मिल रहे हैं। मैं मुझे ऐसा लगता है कि दो दोस्त मिल रहे हैं। बिल्कुल सही प्यार है। इससे पहले कि अभिषेक पैदा होते जी मैंने ऐसा माना था कि यदि मेरा कोई पुत्र होगा तो वो मेरा मित्र होगा। तो जब वो छोटे थे आप उनको गोद में उठाते थे, प्यार देते थे? बिल्कुल, कोई ऐसा अवसर नहीं था जब मैं उसे गोद में नहीं उठाता था। जी जी जी। और उतना ही स्नेह जो है वो अपनी बेटी को देता था। तो दोनों की परवरिश में आपने कोई अंतर नहीं रखा, चाहे लड़की हो लड़का हो? बिल्कुल नहीं। समाज में सबका दर्जा जो है वो बराबरी का है, ऐसा मेरा मानना है। मैंने हमेशा अपने भी यहाँ माना है घर में, और मैं ऐसा प्रचार भी करता हूँ, लड़का लड़की दोनों में बराबरी रखें। बिल्कुल सर, मैंने पहले ही मान लिया है और अपनी पत्नी को भी कहा हुआ है जया को, जब हम यहाँ से दुनिया से जाएंगे तो जो कुछ भी जितना कुछ छोटा मोटा है वो आधा आधा बटेगा मेरी बेटी में और मेरे बेटे में। जी जी। आपका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है लोगों पर, और मैं चाहूँगा कि जो आजकल के यंग पेरेंट्स हैं उनको हम क्या बता सकते हैं जिससे कि उनको एक दिशा मिले कि अपने लड़कों को वो किस तरह की परवरिश दें, क्या सिखाएं? मैं बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम लोग को भी सीखने को मिलता है। जी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा जी, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितने अलग अलग कॉलेजेस हैं वो एक ही स्थान पर हैं जी। मिरांडा हाउस वहाँ का महिलाओं का एक कॉलेज है, बहुत ही प्रचलित। बस स्टैंड जो था, एक बस स्टैंड जी, वो मिरांडा हाउस के सामने होता था जी। तो जानबूझ के लड़के जितने थे वहाँ बस पकड़ने जाते थे। आप समझ गए किस लिए, यहाँ से खूबसूरत लड़कियाँ निकलेंगी, उनको देखेंगे, ये है वो है। लेकिन ये छेड़खानी वगैरह भी चलती थी, महिलाएं वगैरह जाएं तो सिटी बजती थी, ये होता था वो होता था। मिरांडा हाउस में एक प्ले हुआ, उनका एनुअल प्ले, उसमें उनको 3 मर्दों की ज़रूरत थी, बॉयज। तो हमारे कॉलेज से मैं चुना गया, एक दो और कॉलेज थे वहाँ से दो और चुने गए। तो पहले हम लोग बड़े खुश हुए कि यार अभी तक तो हम लोग गेट के बाहर खड़े रहते थे, अब हमको अवसर मिलेगा अंदर जाने का। तो पहले दिन तीनों हम लोग बड़े ठाट के साथ गेट वेट में घुसे, और पीछे से दरवाज़ा था उनके कंपाउंड का, और जैसे ही वो आंगन में पहुँचे तो वहाँ हॉस्टल था, सब लड़कियाँ ऊपर बैठी थी। सर पहली बार लड़कियाँ जो है वो हम पर सीटी मार रही हैं, ताने कस रही हैं, छेड़ रही हैं, ताने कस रही हैं, बड़े ठाट हैं आपके। और एक दो सीटी पड़ी, और ये अच्छा चाल तो देखो, पैंट बड़ी अजीब सी पहनी, इस तरह की बात। तो आमिर मुझे जिंदगी में पहली बार ये लगा है कि लड़कियों के ऊपर क्या बीतती होगी जब हम लोग ऐसा करते। हमेशा हम लोग जो लड़की होती है उसको प्रश्न करते रहते हैं, ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये मत करो, ऐसा मत करो, बहुत सारी पाबंदियां लगा देते हैं। लेकिन हमने अपने बेटों से कभी नहीं कहा कि भैया ये करो, ऐसा ना करो, ये मत करो। और अब मेरे ख्याल से समय आ गया है कि हम उनसे पूछें
अपने आप से पूछें कि हमने अपने बेटों के लिए क्या किया है, क्या सीख दी है, और क्या सीख दी है हमने। बिल्कुल सही। जबरदस्ती करना किसी बच्चे के साथ कि तुम मर्द हो और तुम सशक्त बनो, तुम पीटो लोगों को, ये सब गलत चीजें हैं। ये सिखाना ही नहीं चाहिए उनको। करके क्या मिलेगा उनको, आप बताइए। जी जी जी, क्या प्राप्त कर लेंगे वो? उनको अच्छी बातें सिखानी चाहिए कि स्नेह प्यार बंधन कैसे बनते हैं, एक दूसरे से प्यार कैसे किया जाता है, स्नेह कैसे किया जाता है। एक ईमानदार अच्छे सच्चे इंसान बनो बस, इससे बढ़कर और कोई चीज़ है नहीं। क्या हमें अपने लड़कों को ये सीख देनी चाहिए कि आप, जैसे आमतौर पर हम लड़कों को ये सीख देते नहीं कि भाई अगर लड़के को डर लग रहा है तो हम उसे कहें कि भाई तुम्हारे जज्बात हैं, खुल के उन्हें महसूस करो, डर भी एक जज्बात है, या अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो इसमें कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल सही कहा, मैं भी रोता हूँ, कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं भी सबके सामने रोता हूँ। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मर्द हैं तो आप रो नहीं सकते, या आप कोई नाजुक काम नहीं कर सकते, या आपके अंदर कोई नाजुकता नहीं दिखाई जा सकती। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। कहीं ना कहीं हम लोग को ये मानना चाहिए कि हम इंसान हैं। अगर हम इंसान हैं तो हम रोएंगे भी, हमारे अंदर कुछ कमजोरियाँ भी होंगी, और इसमें कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही। बहुत सारे मर्द हैं हिंदुस्तान में जिनके विचार ऐसे हैं, और हमारी रिसर्च में ये सामने आया है, उनको लगता है कि मैं बाकी लोगों से ताकतवर हूँ, मुझे जो चाहिए मैं कर सकता हूँ, और चूंकि मैं ऐसा हूँ तो मैं असली मर्द हूँ, या मैं अपनी बीवी को दबा के रखता हूँ तो मैं असली मर्द हूँ। इन जैसे पुरुषों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर, उनसे कहूँगा कि आप पुरुष नहीं हैं। अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और मुझे यकीन है कि देश भर के लोग आज ये जो शो देख रहे हैं उन सब पे आपकी बातों का बहुत ही गहरा असर होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इस सीजन का ये आखिरी एपिसोड है, और मैं बड़े भारी दिल से आपसे विदा लेना चाहूंगा। आपके साथ के लिए, आपके वक्त के लिए, आपके जज्बातों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब से कुछ ही देर में शो ख़त्म होते ही मैं आपके साथ स्टार प्लस पर लाइव रहूँगा। ये हमारा आखिरी लाइव शो होगा। दोस्तों, वक्त आ गया है मर्दानगी की परिभाषा को बदलने का। वक्त आ गया है कि हम अपने लड़कों की परवरिश में बदलाव लाएं। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को एक ही परवरिश मिले, एक ही सीख मिले। प्यार, मोहब्बत, करुणा, विनम्रता, हमदर्दी, माफ़ी और बराबरी जैसे खूबसूरत जज्बात और ख्याल हम अपने बच्चों को सिखाएं। हिंसा की सीख कभी ना दें, जोर जबरदस्ती की सीख कभी ना दें, बल्कि जैसा कमला जी ने हमें बताया, मोहब्बत की ताकत उन्हें समझाएं। भरोसा रखिए, मुमकिन है। जय हिंद, सत्यमेव जयते।